सर्वपदाम्बुज देवराय वैराग्य भक्ति मद दे प्रभु देवराय जा साधना घड़विले महादेवराय ते प्रेम साधन गड़ो मज देवराय ते प्रेम साधन गड़ो मज देवराय श्री गोपाल कृष्ण महाराज श्री दत्तात्रेय महाराज की जय श्री चक्रपाणी महाराज की जय श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय सर्वज्ञ श्री चक्र श्री सावली मूर्ति का जय जयकार हो। वंदोनिया तव पदाम्बुज देवराया वैराग्य भक्ति मद दे प्रभु देवराया जा साधना घड़विले महादेवराया ते प्रेम साधन घड़ो मद देवराया। कवि अपने शब्द पंक्तियों में श्लेष के साथ एक काव्यमाला स्वामी के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए क्या प्रार्थना करता हूं, वंदन के साथ आपका क्या कैसे गुणगान गाता हूं। वंदोनिया तव पदाम भुज देवराया, दोनों हाथ के साथ अष्टांग को लवन लेते हुए मैं आपके श्री चरणों में अभिवादन करते हुए नतमस्तक होते हुए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि अष्टांग के साथ हम परमेश्वर के श्री चरणों में समर्पित होते हैं। आठों अंगों सहित इसको बोला जाता है साष्टांग। वंदोनिया तव पदाम भुज देवराया, हे देवराया, देवादि देवा, सब सृष्टि का निर्माता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे अनुरोध करता हूं। वंदोनिया तव पदाम्बुज देवराया वैराग्य भक्ति मद दे प्रभु देवराया, मुझे और कोई चाहिए चाह नहीं है, मुझे बस वैराग्य और भक्ति इन दोनों का साथ मेरे होना मेरे लिए महत्वपूर्ण लगता है। वैराग्य और भक्ति इन दो गुणों के साथ मैं आपको ये दान मांग रहा हूं कि वैराग्य भक्ति मद दे प्रभु देवराया, क्योंकि वैराग्य कोई साधन नहीं है जो कि ईश्वर के तरफ से जीव को मिलना है। वैराग्य ये जीव का कड़ है, जैसे ज्ञान ये बात ईश्वर के तरफ से हमें मिल रही है, वैराग्य हा जीवाचा कड़, ज्ञान भक्ति और वैराग्य, इसमें वैराग्य जो है ये जीव का अपना कर्तव्य बनता है। और भक्ति का दान मुझे दीजिए, वैराग्य भक्ति मद दे प्रभु देवराया, हे प्रभु आप मुझे ये दान दीजिए। उसके लिए प्रभु से वो
अपना बयान देते उस समय कह रहा, जा साधना घड़विले महादेव राया। सर्वज्ञ श्री चक्र प्रभु जी जिस समय इस महाराष्ट्र में राज्य कर रहे थे, उसी समय महादेव राया नाम का एक राजा जो स्वामी के दर्शन को आना चाह रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको स्वामी जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसका जो प्रेम का अधिकार था, जा साधना गढ़विले महादेव राया, महादेव राया ये ऐसा पात्र था, है तो प्रेमाधिकारी, परिनिष्ठ क्रिया के साथ उसने प्रेम का साधन जोड़ लिया था। स्वनिष्ठ और परिनिष्ठ ये दो साधन प्रेमोपाय के बोले जाते हैं। वैराग्य साधन और प्रेम साधन प्राप्त करने के लिए महादेव राया ने जा साधना गढ़विले, आपने उसको योग्य किया, पहले एक बार दर्शन दिया था, दूसरी बार भी आपकी ओर से दर्शन हुआ था, लेकिन तीसरी बार आपका दर्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण उसको प्रेम नहीं प्राप्त हो सका। बचपन से उसके पिता के साथ पहले स्वामी जी का उनको दर्शन हुआ था, उसके बाद भी लोनार में स्वामी जी का दर्शन हुआ था, और तीसरी बार वेरूड में स्वामी जी के दर्शन का मौका उसे प्राप्त हुआ था, लेकिन उस समय स्वामी जी का दर्शन नहीं हो पाया। स्वामी जी ने भक्तों को बताते समय कहा था कि ये राजा मेरे दर्शन के लिए आ रहा है, मेरा दर्शन होने के बाद वो सब सर्वसंग परित्याग करके मेरा शिष्य बन जाएगा, मेरे शरण में आ जाएगा। तो बाईसा ने कहा कि इतना अच्छा है तो दीजिए ना दर्शन। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, इतने वो दर्शन के अधिकारी नहीं है, जब वो दर्शन लेके यहां बैठ जाएंगे तो आप यहां नहीं रह पाओगे। बाईसा को कहा कि आप कहां रहोगे फिर, राजा ही हमारे यहां आ जाएगा तो आपको यहां जगह ही नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि जो परिनिष्ठ साधन से महादेव राया प्रेम का अधिकारी बना था, वो प्रेम साधन मुझे, ते प्रेम साधन गढ़ो मददेव राया, परिनिष्ठ क्रिया के साथ मुझे प्रेम का अधिकार प्राप्त होवे, मैं इतनी अधिकार पात्रता के साथ स्वनिष्ठ अधिकार के जरिए प्रेम को हासिल नहीं कर पाया पा रहा हूं, क्योंकि इतनी मेरी अपनी पास पूंजी है नहीं। लेकिन एक परिनिष्ठ क्रिया होती है, एक स्वनिष्ठ क्रिया होती है, स्वनिष्ठ से परिनिष्ठ क्रिया का आभार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बोला गया है। एक हमारे जीवन में शॉर्टकट है कि उसके सहारे हम उसके तरफ जाने का जल्दी प्रयास कर सकते हैं। वो परिनिष्ठ प्रेम का साधन मुझे प्राप्त होवे, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आमतौर पर अपनी औकात हमें, आपको पता होती है हम कितने गहरे पानी में हैं। आमतौर पर बाहर सब नहीं इसको जान पाएंगे, लेकिन हम अपने को समझ सकते हैं, मैं कितना पानी में हूं, कितनी दोषों से भरा हूं, कितने अवगुण मेरे पास है और कितने गुण मेरे पास है। क्या जो भी मेरे पास गुण है उससे मैं प्रेम प्राप्त कर सकता हूं, प्रभु को प्राप्त कर सकता हूं? तो नहीं। हर किसी
साधक को स्वनिष्ठ का बल जो होता है वो कम ही होता है। बाई साथी उसके पास स्वनिष्ठ और परनिष्ठ इन दोनों बातों में अलग सी सुविधा थी। और एक पात्र सेनपुंजी करके एक स्वामी के चरित्र में आता है, उसके पास भी प्रेम का अधिकार था, लेकिन उसके पास स्वनिष्ठ अधिकार पात्रता थी लेकिन परिनिष्ठ अधिकार पात्रता नहीं थी। जबकि महादेव राय के पास इसके विरुद्ध था। सेनपुंजी के पास क्या था, स्वनिष्ठ अधिकार पात्रता तो ठीक थी, वो सही अपने साथ ठीक थी। आमतौर पर आदमी अपनी साधना में अच्छा सा बर्ताव करता है लेकिन दूसरों के दोषों के तरफ देख के अपने आप को फिर जीरो कर देता है। आप तो सही ठीक हो लेकिन जब वो दूसरों के तरफ देखते हो तो आप उनके दोष लेते हुए फिर जीरो हो रहे हो। स्वनिष्ठ आपकी अधिकार पात्रता तो ठीक है लेकिन दूसरा भी आपके साथ होना अनिवार्य है, क्यों दूसरों के दोषों के तरफ देखे, जिसके कारण हम भी नीचे अपना लेवल बना रहे। जबकि किसी के पास परनिष्ठ अधिकार पात्रता होती है लेकिन स्वनिष्ठ कुछ भी नहीं कर पाता है, दूसरों को करवा रहा है, दूसरों को कुछ दान धर्म के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, अच्छे कार्य के लिए वो मार्गदर्शन तो कर रहा है लेकिन स्वनिष्ठ कुछ नहीं करता है।